मतलब इतनी लिटरली ऐसी ऐसी गालियां मुझे आ रही हैं, ऐसी धमकी आ रही हैं, मैं परेशान आ गया हूँ जिंदगी से, इस चीजों से। इसलिए मैंने कमिश्नर ऑफिस में भी कल कंप्लेन करी है। आप ये देखिए, कमिश्नर ऑफिस के पूरे डिटेल्स इसमें मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये मेरे रिसीविंग, मेरी भी साइन है, उनकी रिसीविंग है। मतलब एक और कंप्लेन मैंने कर दी है यार, कितनी कंप्लेन मैं करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ का अंत क्या है, इस चीज़ का हल होने क्या वाला है। इतना बड़ा छपरी अल्पेश यादव है, उसको जो लोग फॉलो कर रहा है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश में हो क्या रहा है। 14 डेज की कस्टडी में अल्पेश को भी लिया था। कैसी कस्टडी थी, 4 दिन में घर आ गया था, फिर होली आ रही थी तो होली उसने सेलिब्रेशन में चला गया था। समझ में नहीं आ रहा है कि उस पर कैसी, अभी देखिए फिर से एक केस उस पर रजिस्टर्ड हो गया है जो मैंने कर दिया है। अभी इस पर क्या कानून कार्रवाई करेगा डिपेंड करता है। कल कमिश्नर ऑफिस में मैं रात में 12 बजे तक था, वहाँ मैंने सब उनको डिटेल बताई कि सर ऐसा कुछ हो रहा है और मुझे लग रहा है कि अभी वो मेरे पीछे लगा हुआ है और मुझे मजबूर कर रहा है मेंटली टॉर्चर करके कि मैं डिप्रेशन में आ जाऊं और एक दिन में सुसाइड कर लूं और उसकी जिम्मेदारी पूरी अल्पेश यादव की हो जाए। अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस चीज़ से कैसे दूर जाऊं या चीज़ कैसे खत्म होगी। उनके अंदर उसने सबके सामने 10-10, 20-20 लोगों के साथ जाके मारा, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि अल्पेश यादव का प्रेशर इतना मेरे ऊपर आ रहा है और कल को मैं सुसाइड कर लेता हूं, मैं आत्महत्या कर लेता हूं तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अल्पेश यादव की होगी। आप बताइए कब तक ऐसी टॉर्चर वाली जिंदगी से मैं गुजरूं। बैक टू बैक ईमेल्स, कॉल, व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, कहीं जा रहा हूं तो लोग बोल रहे हैं अल्पेश का अगला टारगेट तुम हो। फिर मुझे बैक टू बैक धमकियां आ रही हैं, ईमेल्स में धमकियां आ रही हैं। कल मैंने कमिश्नर ऑफिस में 5 कॉपी, टू बी ऑनेस्ट, 5 कॉपी मैंने उसकी दी है, जिसमें व्हाट्सएप चैट है, व्हाट्सएप कॉल्स हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम्स हैं। मतलब इतनी लिटरली ऐसी ऐसी गालियां मुझे आ रही हैं, ऐसी धमकी आ रही हैं, मैं परेशान आ गया हूँ जिंदगी से, इस चीज़ों से। नहीं देखिए, अल्पेश का गुंडा राज, उसको मालूम है कि मैं गुंडा हूँ, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता है, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। मैक्सटन जैसा सीधे साधे, उसका फादर आंसुओं से रो रहा है। मैक्सटन को जब मारा, उसके पास, उसकी फैमिली के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने दोस्ती कर ली। अगर कोई बराबरी का इंसान होता तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि अल्पेश यादव को क्या क्या इस इंडिया के लोग इतने जाहिल गंवार हो गए। इसलिए क्या अल्पेश यादव का क्रेज बढ़ रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ।